नजाराम साहब, क्या आप कहते हैं? क्योंकि वो भूप साहब, बात तो भूप भाई से होनी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सर कोई मैं तशरीफ लाए हैं, ये भाई जी ने हाँ आए आ गया, हैं। आ गया नमस्कार भूप जी, नमस्कार। आ गया साहब। वेलकम भाई, सर, वेलकम थैंक यू थैंक यू जी, भूप जी। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, मैंने इनको इसलिए बुलाया कि केवल ये पीपीटी प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मैं लैपटॉप से नहीं जुड़ा हूँ ना, तो पीपीटी ठीक है, दिखाने के लिए केवल इनको मैंने आपको मैसेज कोई किया था। जी कोई मसला नहीं है। नो आवाज प्रॉब्लम, थोड़ी सी नो प्रॉब्लम। ऊंची, थोड़ी सी आवाज अगर ऊंची कर लेंगे तो जबरदस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई वो भाई हमारे साथ ही हैं तो कोई मसला नहीं है सर, कोई बात नहीं, कोई जी दिक्कत नहीं। जी देखिए, जी अभी अच्छा मेरे जी भाई क्या होता जी है जी वेलकम कि करता हूँ जी, थैंक बूप यू थैंक आपको यू। वेलकम करता हूँ इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे। आपका सम्मान है, आपकी रिस्पेक्ट है। और आपका एक पैगाम पहुंचा मुझ तक कि अली रजा ने रेफरेंसेस गलत दिए हैं सनातन की किताबों के हवाले से। एक बार पब्लिक को बता दीजिए, क्या आपका यही दावा है कि मैंने रेफरेंस गलत दिए हैं? बिल्कुल, रेफरेंस देने से पहले हम दूसरे भाई को भी वेलकम करते हैं सर, वो भी हमारे साथ हैं, उनको बा वेलकम करते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, आप भी हमारे साथ थैंक रहेंगे यू, जल्दी जी। जल्दी वेलकम जी जी। जी अच्छा, जी मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, रेफरेंस कमोबेश सही है, लेकिन उसका तस्करा जो एक्सप्लेनेशन है मिस कोट किया गया है, लाइक आपने उसको समझा नहीं। मैंने यही लिख के भेजा था कि शायद आपको सनातन का नॉलेज नहीं है, इस वजह से गलती से आप उसका तस्करा गलत कर रहे हो। उसको कहते हैं ना कि 360 डिग्री चेंज करके आपने उसको बता दिया, जबकि वो बड़ा ओ पवित्र तेरा और बोला, थोड़ा पाक सा कम कर चीजें लें यार, वो भाई थोड़ा सा कम कर लें, 360 बहुत ज्यादा हो जाता है यार। वैसे एक चीज और बताऊं, 360 अगर 360 कहेंगे तो घूम के बात वहीं पर आ जाएगी, बात मेरे हक में चली जाएगी। 180 होता है जो नहीं, अपोजिट होता है, सुनिए वन वन सुनिए, एटी हम अपोजिट होता है। नहीं, खुर्रम साहब, हमारे यहाँ सनातन में शून्य से शुरू होकर 360 डिग्री ये पहुंचता है, तो आदि और अंत एक जगह पे ही होता है, जहाँ से लय होता है वहीं पे पहुंच के प्रलय होता है। यानी बिंदु माता शक्ति है जिनकी आप बात कर रहे हैं, और अंत शिव है, तो शक्ति से शुरू होकर अंत शिव पे होता है, और दोनों एकाकार हो जाते हैं अर्धनारेश्वर के रूप में, और उसके चलो बाद वो करते अनंत हैं जी, परमात्मा में लीन हो जाते वो हैं। भाई जी जी यार आराम आराम से चलें यार, क्या सारी बातें 1 मिनट में कह लेनी है? अरे आपके नहीं साथ थोड़ा सा चलेंगे भाई हम, और हमें भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ, हमें भी साथ साथ मौका दीजिए। आपने जी, एक चीज फरमाई, मैं क्लियर करता जाऊं पब्लिक के लिए, कि हमारे भूप भाई कहते हैं कि अली भाई ने रेफरेंस तो लगभग ठीक दिए हैं। एक होता लगभग ठीक, एक होता होता ही ठीक है। तो मैंने जो रेफरेंसेस स्क्रीन पे दिखाए हैं वो लगभग ठीक नहीं है, वो 100% ठीक है। दूसरी बात ये रही कि कहा जाए कि आपने मिस इंटरप्रिट कर दिया, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए आपकी बात रख लेते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 को लेके वो बवाल मचाया गया इंडिया के अंदर, वो बवाल मचाया गया कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी, मिस इंटरप्रिट किया जाता था। हम कहते थे कि इससे पिछली आयतें पढ़ें, इससे अगली आयत पढ़ें, पिछली में क्या है, अगली में क्या है, इस अपनी इस आयत के अंदर क्या है, तो कोई नहीं हमारी सुनता था। लेकिन देखें, आपने एक इल्जाम लगाया, हम सुनने के लिए तैयार हैं। मेरी इंटरप्रिटेशन तब गलत होगी जब मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की होगी। आप उससे पीछे पूरा चैप्टर पढ़ के सुनाइए, मैं इजाजत देता हूँ। उससे आगे पढ़ के हाँ सुनाइए, जी मैं इजाजत देता हूँ। सुन लीजिए जी हाँ प्लीज, जी हाँ, प्लीज सुन लीजिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं मैंने अगर वो कॉन्टेक्स्ट मैंने गलत बन गया, सर सुन तो लेना, अगर वो कॉन्टेक्स्ट गलत बनता है तो नो प्रॉब्लम भाई, मुझे ऐसा, हम यहाँ पर बैठे हैं ज्ञान को बांटने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि किसी की तोहीन की जाए। अगर आपको लगता है कि भाई उन रेफरेंसेस से पीछे ये रेफरेंसेस थे जिससे कोई शिव जी का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा हो जाता है, वो रेफरेंस बीच में से माइनस हो सकता है किसी तरह से, तो मैं आपको पूरी इजाजत दूंगा कि आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन एक दफा दावा कीजिए कि आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया कि आपने 360 का कह दिया, 360 एक डॉट है और उसके ऊपर दोबारा आके मिल जाती है बात, तो वो 360 तो मेरे हक में जाएगा। अगर मैंने 180 के एंगल से बात की है तो वो होती है अपोजिट बात। तो 180 वाली बात कर रहे हैं कि 360 वाली बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपको समझाया था कि आदि और अंत एक जगह शुरुआत होती है और अंत भी वहीं होता है, उसको 360 डिग्री कहते हैं हमारे हिसाब से। तो आपने जी, शुरुआत को हमारे हिसाब अंत से भी कह उसी को दिया, मैं वही अर्ज कर रहा। आपने जन्म को मृत्यु कह दिया है, ये गलत हो गया है। मैं इस तरह से 360 डिग्री बात कर रहा हूँ, 180 तो दुनियावी रूप से वो अपोजिट होता है, लेकिन 360 के जो जिंदा, जो अभी जन्म ले रही थी चीज, जो एकदम पवित्र चीज है, उसको आपने पूरी तरह से मार दिया, उसको मृत्यु कर दी उसकी, ये गलत हो गया। भूप जी, जी आई आई वांट टू ऐड समथिंग। देयर आर सम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स नोन एज पाई नॉट्स।
SPINOR, spine ors. It is used in nuclear spins, and that actually does not become come back to the same point where it started if you rotate it by 360 degree. You have to rotate it by 720 degree, then it will become it will come back to the same point. That's what I was saying. एनी विच वेज यही मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था. मैथमेटिकली भी सनातन बिल्कुल वैज्ञानिक है और साइंस के हिसाब से चलता है. और इवन सर मैं माजर चाहता हूँ, मेरी मैं माजर चाहता हूँ सर ना, यहाँ पर अगर साइंस पे बात करनी है तो भी मैं हाजिर हूँ. फिर सनातन को निकालें, फिर सनातन और साइंस का कर लेते हैं बात. आप बात जो कर रहे हैं वो बात रखे, ये 360 ये वो कहता जी डबल. बिल्कुल भूप भाई, हम मुद्दे की तरफ आते हैं भूप भाई, क्योंकि रेफरेंस की तरफ आते हैं, वो टू दी पॉइंट बात चलते हैं. ये जो फिर हम घूमते रहेंगे तो मेरा ख्याल है अगर आप मुनासिब समझे तो हम रेफरेंस की तरफ आते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी थैंक यू सर. उसके पहले बहुत शुक्रिया, डिजायर किया था कि 10 मिनट मुझे आप दीजिएगा ताकि मैं शिव जी की पूजा क्यों करते हैं वो मैं बता सकूं. और किसी भी मुसलमान को सनातनी को दावत देने का कोई हक नहीं है ये बता सकूं, क्योंकि आपने जब ये मेरा हक है. मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपने स्ट्रीम शुरू करी थी, बड़े बड़े आपने दावे किए थे कि सनातनियों को तौहीद पे आ जाना चाहिए, ये शिर्क करते हैं. तो शिर्क और तौहीद पे भी मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में एक दिन आपके पास आकर इंडिया के और पाकिस्तान के दर्शकों को आपस में हम लोग चर्चा करें, शास्त्रार्थ करें और ये बताएं दुनिया को किसकी आइडियोलॉजी सही है और कौन गलत रास्ते पे. यदि आप हमें ये कहते हैं कि हम गलत रास्ते पे हैं तो हम आपको ये कह सकते हैं कि हमारा ये रास्ता सही है. आप बताइए आपका इसमें ओपिनियन क्या है. सनातन किसी को दावत नहीं देता है. सनातन ये बोलता है कि ये सच है और ये गलत है और ये सही है. आपको मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो जीव की स्वतंत्रता पर हम छोड़ देते हैं, किसी को बात भी नहीं करते. ठीक है, तो मैं आप अगर टाइमर लगाना चाहें तो लगा लीजिए. शिव जी की पूजा क्यों करनी चाहिए उस पर मैं बात करूंगा. उसके बाद दूसरे भाग में ये बात करूंगा कि आप लोगों को दावा नहीं देना चाहिए या दावत नहीं देनी चाहिए किसी सनातनी को. ये दो चीज़ें हैं. उसके बाद फिर हम रेफरेंसेस की बात करेंगे. तीन रेफरेंसेस हैं, उनको हम रिफ्यूट करेंगे. उसके बाद मैं तो चाहूंगा कि अगले हफ्ते आप फिर बुलाएं, अगले तीन रेफरेंसेस करूं, तीन तीन करके या जैसा आप चाहें वैसा करके हम आपस में चर्चा करें. आपको सनातन का नॉलेज नहीं है या देखने वाले को कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है या मिसकंसेप्शन हो जाता है तो उसको हम ठीक कर सकें. और मेरा मकसद आपके यहाँ आने का सबसे ज़्यादा ये भी है कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच में आपसी भाईचारा बना रहे, उसमें कोई मतभेद ना हो. क्योंकि कुछ चीज़ें आप कहेंगे, कुछ हम कहेंगे और वो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी. ठीक है, और आप समय शुरू करें उससे पहले मैं शिव जी का ही एक उदाहरण देना चाहूँगा कि शिव परिवार में यहाँ तक रुक जाइए मुझे बात क्लियर कर लेने दीजिए. ये बार बार आपको कोट करने का राइट नहीं है कि आप ये कहें कि जी आपको सनातन का पता नहीं है. आज आप तशरीफ लाए हैं, आपको सनातन का पता है और मैं सनातन का स्कॉलर होने का दावा नहीं करता, लेकिन जो मैंने पढ़ा है ना वो मैंने पढ़ा है. ठीक है, वो तो अब आप तशरीफ ले आए हैं, अगर कोई आपको लगता है कहीं से कि मैंने गलत पढ़ा है तो वो आप रख दीजिएगा. पहले तो ना ऐसे आप इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया और आप पता नहीं कितने बड़े ज्ञानी हैं और मैं बैठा हूं वहां ज्ञानी और एक बंदा सामने बैठा हुआ वो फजूल आदमी, ये बात ना करें. ये तो अब पता चलेगा कि जब आप वो दावा रखेंगे ना, मेरा रेफरेंस गलत साबित करेंगे कि मैंने रेफरेंस गलत दिया है, ये तो बात तब होगी. आप ये मान रहे हैं कि लगभग आपके रेफरेंस ठीक है और फिर कह रहे हैं आपको सनातन का नहीं पता. और भाई मुझे सनातन का पता नहीं तो मेरे रेफरेंस कैसे ठीक मान लिया आपने? या तो उनको चैलेंज कर दें, आप उनको भी चैलेंज नहीं कर रहे. अब एक तीसरी बात पे आए कि आप ये बताएंगे कि आप शिव जी की उपासना क्यों करते हैं, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप वो बात रखिए. इस तरीके से तो हम घंटा बैठ के पहले ये चीजें तय करेंगे. हमने कुछ चीजें देखी, नोट की, आपने वो स्ट्रीम हमारी सुनी, मैंने वहां पर कुछ चीजें रखी जैसे कि शिव जी का हुलिया मुबारक है, तो मुझे बताएं क्या हुलिया से मुतासर हुए हैं. चलो वन बाई वन वैसे ही चलते हैं, वो रेफरेंस भी बीच में आ जाएंगे, पब्लिक को भी पता चल जाएगा, सारा फायदा हो जाएगा. क्या कहते हैं आप, वहां से ना शुरू करें हुलिया मुबारक? जी बिल्कुल, वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा समय मुझे चाहिए कि शिव जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, आपका ये भी सवाल था तो इसको भी मैं क्लियर करना चाहता हूं अगर आप समय देना चाहें तो. जी मेरा ख्याल है अली रजा खुर्रम साहब हमें 5 मिनट दे देने चाहिए भाई को, कोई दिक्कत नहीं है सर, ताकि वो अपना मुकदमा रख सके.
क्या ख्याल है आप जैसा आप लोग जी जी स्टार्ट कीजिए आप प्लीज स्टार्ट कीजिए आपको सर आप स्टार्ट कीजिए आपको पूरा टाइम दिया जाएगा आपको 5 मिनट देते हैं जो मेन चीजें है ना वो अगर आप बताएंगे तो फिर वो इजी रहेगा सबके लिए तो आप 5 मिनट जो है ना वो आप बात कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है अद्वैत जी वो स्ट्रीम वो जो मैंने आपको पीपीटी भेजा है उसका पहला स्लाइड शो करिए और वहां से मैं शुरू करता हूँ चूंकि शिव जी सनातन के परमात्मा है जो विराट परमात्मा अनंत परमात्मा है जो अनादि है अनंत है और स्वयंभू स्वरूप है वही साकार है वही निराकार है वही आदि है वही अंत है वही सूक्ष्म है वही विराट है कण कण में भी वही है और संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी में समाया हुआ है ये सनातन का तस्करा या व्याख्या है हमारी नज़र में हमारे नज़दीक इन्हीं 8 तरह से परमात्मा को समझा जा सकता है उसके अलावा नवा कोई तरीका नहीं है यही चीज 8 चीजें परमात्मा में फिट होती हैं ठीक है उसके हिसाब से जब हम साकार की बात करते हैं क्योंकि हम साकार परमात्मा की पूजा करते हैं और निराकार को भी मानते हैं एट द सेम टाइम हम ऐसा नहीं कि निराकार को नहीं मानते लेकिन निराकार के साथ साथ वो साकार है केवल निराकार कह देना परमात्मा को एक सीमा में बांध देना है ठीक है जैसे यदि परमात्मा ऑल नोइंग है और वो सब कुछ कर सकता है तो क्या वो अपना एक रूप हमें नहीं दिखा सकता या अपना रूप नहीं बना सकता है क्या वो अवतार नहीं ले सकता है क्या वो धरती पर जो चांद सितारे या सूरज ये सारी चीजें चल रही हैं क्या उनको शक्ति प्रदान कर रहा है तो वो किस रूप में कर रहा है कैसे कर रहा है उसका विज्ञान क्या है देखिए हम सनातन में ज्ञान ध्यान और विज्ञान 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा मानते हैं आपको ज्ञान है तो आप परमात्मा को समझ सकते हैं आप ध्यान लगाते हैं आप जो है एकाग्र मन से जो है शांत चित्त होकर अपने कुंडलिनियों को जागृत कर लेते हैं आज्ञा चक्र से आपको परमात्मा की शक्ति का जो है वो महसूस एहसास होने लगता है और यदि विज्ञान विज्ञान का मतलब होता है कि इस प्रकृति में 24 प्रकार के तत्व हैं उन तत्वों या उनके उप तत्वों का सनातन के वेदों में पुराणों में लिखे हुए फॉर्मूले के हिसाब से जब उसका मिश्रण किया जाता है तो कोई ना कोई आविष्कार बनता है कोई ना कोई इन्वेंशन होता है और जितने भी अभी तक इन्वेंशन हुई है चाहे परमाणु बम हो चाहे हवाई जहाज हो चाहे जितने भी कोई छोटा या बड़ा सब कहीं ना कहीं सनातन के ग्रंथों से प्रेरित है तो विज्ञान परमात्मा ने विज्ञान को अगर परमात्मा से अलग करके देखा जाए तो वो मूर्खता है ठीक है तो शिव के अंदर पूरा विज्ञान छुपा है वो मैं बताना चाह रहा हूँ इसलिए हमको पूजा करनी चाहिए शिव की पहली बात अब विज्ञान कैसे छुपा हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं देखिए क्या होता है अद्वैत जी आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए तो मैं योर फाइल इज मोर देन 50 MB एंड इट डजंट अलाउ मोर देन 50 MB बेसिकली चलिए तो कोई बात नहीं आप उसको कंप्रेस तो नहीं कर सकते हैं तो मैं ऐसे पढ़ के बता देता हूँ ठीक है हाँ ट्राई करो हो जाए तो अच्छा है ठीक है तो सनातन का जो परमात्मा है वो विज्ञान में निहित है हम विज्ञान को अपने सनातन से अलग कर ही नहीं सकते हैं और शिव जो है हमने बोला अनंत है अनादि अनंत और स्वयंभू स्वरूप है वही निराकार भी और वही साकार भी है तो जो अनादि अनंत परमात्मा है भगवद गीता में आपने देखा होगा श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था उसमें से ही सब कुछ निकल रहा था और सब कुछ उसी में समा रहा था उसके बाहर कुछ भी नहीं था ठीक है और वो जो कुछ भी निकल रहा था वो सारे के सारे अनंत ब्रह्मांड थे एक ब्रह्मांड नहीं है अनंत ब्रह्मांड थे जो महाविष्णु हमारे हैं विराट परमात्मा है अगर उनको एक पुरुष के रूप में समझ लिया जाए तो एक एक रोम छिद्र में एक एक ब्रह्मांड समाया हुआ है और आज विज्ञान ने वही मल्टीवर्स का थियोरी अब दिया है हमारे सनातन में बहुत पहले से मल्टीवर्स है अब इसी मल्टीवर्स को अगर हम आगे परमात्मा किस तरह से इसको मल्टीवर्स को बनाकर चला रहा है सृष्टि कैसे रची है उसने तो उसमें शिव जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल आ जाता है जो अनंत परमात्मा है जब वो अपने आप को विभक्त करता है गुणात्मक परमात्मा है परमात्मा गुणात्मक होता है तो विभक्त करता है तो एक श्लोक है हमारा शुक्ल यजुर्वेद का है और बृहदारण्यक उपनिषद में भी और ईशो उपनिषद में भी और भगवद गीता में भी कमोबेश उसी तरह से वो श्लोक है कि ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ही शांति ही शांति तो हम विश्व को शांति का संदेश देते हुए ये कहते हैं
कि अंग्रेजी में बता देता हूं मैं कि यदि दैट इज होल एंड दिस इज होल, वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है. दैट परफेक्ट हैज कम आउट फ्रॉम द परफेक्ट हैविंग टेकन द परफेक्ट फ्रॉम द परफेक्ट. ओनली द परफेक्ट रिमेन्स. लेट देयर बी पीस पीस एंड पीस. ओम शांत शांति शांति. तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो अनंत है, अनंत स्वरूप होता है, उस पूर्ण से अगर कुछ निकाला जाए तो जो निकलता है वो भी पूर्ण होता है, यानी कि वो भी अनंत पूर्ण होता है. सारे गुण उसमें भी वही होते हैं और जो जिससे निकला है वो तो पूर्ण है ही है. तो हमारे विराट परमात्मा से सबसे पहली चीज कोई निकली तो वो थी शिव. शिव क्या थे? ओंकार स्वरूप, नाद स्वरूप थे, निराकार स्वरूप थे. जब कोई चीज हमको नहीं दिखती है तो उसको हमें महसूस करना होता है, तो शिव ने अपने ध्वनि के रूप में खुद को महसूस कराया. एक नाद हुआ, ओंकार का नाद हुआ, उस नाद से. भूप भाई आपके 5 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन अगर आप 2 मिनट मजीद लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे सकता हूं. 2 मिनट दीजिए ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर दूं. मैंने इसलिए 10 मिनट मांगा था क्योंकि इसकी व्याख्या करने में समय लगता है. ठीक है, तो जो ओंकार, ओंकार स्वरूप, ओं जो 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 बिग बैंग हुआ उसमें से जो एक साउंड निकला, उस साउंड से जब विस्तार हुआ तो उसी तरह से एक नाद हुआ, बहुत बड़ा ध्वनि हुई, उससे ओंकार का नाद हुआ, ओंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई, ओंकार से एक शक्ति उत्पन्न हुई, आदि माता शक्ति, जिसको आदि शक्ति कहते हैं, जिसको हम अपने E=mc² यानी कि ऊर्जा कहते हैं. तो विज्ञान वहीं से शुरू हो गया था, यानी नंबर्स भी वहीं मिलने लगे थे. अनंत का नंबर हमको हमारे परमात्मा, अनंत परमात्मा से मिला. शिव से 9 नंबर मिला, यानी कि शुरुआत अंत होना, और जीरो जो शून्य जो बिंदु है जहाँ से शुरुआत होती है वो आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा हुई. उसके बाद मैं जल समय का मैं इसलिए बहुत फास्ट जा रहा हूँ. उसके बाद शिव से फिर वही विराट परमात्मा ने विष्णु का स्वरूप लिया, विष्णु से ब्रह्मा बने और ब्रह्मा से फिर रुद्र बने, यानी कि ये त्रिकोण पूरा हुआ. तो 9 से यानी विष्णु 6 पे आए, 6 से ब्रह्मा 3 पे आए और 3 से रुद्र निकले, यानी रुद्र फिर से 9 में पहुंच गए. तो जहाँ से शुरू हुए थे वहीं खत्म हो गए. इसी तरह से सृष्टि का लय और प्रलय होता रहता है. ठीक है, इसके बीच में 9, 6, 3 के बीच में जितने नंबर हैं वो सारे हम मनुष्यों के हैं, यानी कि हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, कुछ लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ लोग इसी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं. ये हमारा मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है. इसमें जो है शिव जो है हमारा निराकार स्वरूप ब्रह्म है. जब वो धरती पर अवतार लेते हैं तब वो सदाशिव जो निराकार स्वरूप थे वो सदाशिव थे. जब धरती पर अवतार लेते हैं तो वो शिव बन जाते हैं. लेकिन अब यहाँ पर हमारी 3 चीजें हैं. जैसा कि आप समझ रहे थे कि भाई शिव है तो सेक्स करना, आपने उससे सबसे जोड़ दिया था. हमारे यहाँ धरती पर, इस पृथ्वी पर हम मनुष्य जो हैं इनके लिए कामदेव और रति का प्रादुर्भाव हुआ था. बाकी ब्रह्मांड में जो कार्य स्वरूप, कारण स्वरूप और कारक स्वरूप जो देवी देवता हैं या परमात्मा के अवतार स्वरूप हैं या स्वयं परमात्मा है, उनको जो है इस सेक्स की जरूरत नहीं होती. वो परमानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं. वो एक चाहत मात्र से किसी को भी उत्पन्न कर देते हैं. उनको क्या जरूरत है सेक्स की? अगर उनको सेक्स की जरूरत पड़े तो वो परमात्मा कैसे? तो ये चीजें, दोनों चीजों में अंतर है. हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जो व्यक्ति जन्म लेता है वो सेक्स दो स्त्री पुरुष के मिलन से जन्म लेता है. जो व्यक्ति उत्पन्न होता है या अवतार लेता है वो जो है वो परम स्वरूप परमात्मा परम तत्व होता है. उसको सेक्स की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसने स्वयं परमात्मा ने धरती के नियम, ब्रह्मांड के नियम और टाइम. सर अगर आप मुझे इजाजत दे दें, एक लाख अगर मुझे बोल लीजिए. अली भाई एक मिनट यार, उनके 10 मिनट कंप्लीट होने दीजिए. 2 मिनट रह गया सर, कंप्लीट कीजिए. अरे सत्या भाई वो अली ना, 2 मिनट रह. हाँ मैं बोल रहा हूँ, टाइम एंड स्पेस से जो परे परमात्मा है उसने सारे नियम बनाए हुए हैं. तो धरती के नियम जो बने हैं, जब वो अवतार लेता है तो धरती के नियमों का अनुपालन करता हुआ दिखता है, लेकिन वो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप होता है, अवतार के रूप में होता है. चाहे वो रुद्र का अवतार हो कोई, चाहे विष्णु का कोई अवतार हो, उसको सेक्स की किसी भी तरह से जरूरत नहीं पड़ती है. और पुराणों में आप जिन घटनाओं की चर्चा कर रहे थे वो घटनाएं पूर्णतया जो है इस ब्रह्मांड में हम मनुष्यों को सीख देने के लिए थी, हमको बताने के लिए कि ब्रह्मांड कैसे संचालित हो रहा है, क्या आपको करना है.
तो उस लिए थी वहां पर सेक्स जैसा कुछ नहीं था। अब जो है मेरी बात समाप्त हो गई, मैंने संक्षेप में परमात्मा की व्याख्या कर दी है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं रेफरेंसेस पे। अली भाई आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, उसके बाद रेफरेंसेस पे आते हैं। जी सर, मैं कुछ नहीं, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, ध्यान से सुनी है, पब्लिक ने भी सुनी है जी। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने 10 मिनट तो ले लिए, उस 10 मिनट के अंदर आपने जो पंडोरा बॉक्स खोला, आपने हमें कोई खसूसियत नहीं बताई। सवाल ये था कि शिव जी की वो कौन सी खसूसियत है जिसकी बुनियाद पे आप शिव जी की उपासना, उन्हें शिव जी को उपासना के लायक समझते हैं। आप कह रहे हैं मल्टीवर्स है, बिग बैंग है, ये हमारे सनातन में है, साइंस है, धरती पर उतार है, परमात्मा है, निराकार है, साकार है, यार पूछा क्या आपसे? आप पूरी की पूरी आपने पूरे के पूरे सनातन के अंदर जो बातें हैं भी नहीं वो भी आपने बीच में डाल दी। हाँ, ये काम एक काम आपने काम का किया है जो आपने ये फरमाया कि वो परमात्मा ही कैसा है जो सेक्स करे। एक चीज ये आपने पॉइंट की कही है जो मैं समझता हूँ जो रिलेटेड थी। दूसरी चीज आपने ये कही है, आपने ऑन कर लिया कि पुराणास के अंदर जो हरकतें शिव जी ने की हैं वो हमें इंसानों को सिखाने के लिए की हैं शिव जी ने, कि भाई आप भी ऐसा ऐसा किया करना। इन दो बातों के अलावा आप दोबारा से अपनी 10 मिनट की गुफ्तगू सुनिएगा और देखिएगा कि उसके अंदर कौन सी वो बात है जो हमारे सवाल से रिलेटेड है, नंबर दो। दूसरी बात ये कि ये दो पॉइंट तो आपने हमारे सामने रख दिए, इन दो पॉइंटों से शिव जी की उपासना साबित हो गई है? नहीं मेरे भैया, नहीं। इसका मतलब है कि आपको जी के वो जो भी शिव जी कर रहे थे, शिव जी सिखाने आए थे, आप सनातन के एक व्यक्ति हैं। मैं आपकी तरह लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मैं टू दी पॉइंट चलूंगा। शिव जी ने जो भी किया, जो पुराणों के अंदर लिखा हुआ है, उनको आप ऑन करते हैं, मानते हैं कि उन्होंने जो भी किया इंसानों को सिखाने के लिए किया? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, उन्होंने जो शिक्षा दी, जो उन्होंने सिखाया, आप उसको मानते हैं? सभी सनातनी मानते हैं और पूरी दुनिया को नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं सभी सनातनियों से बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी नहीं मानते शिव जी की बात। मैं साबित कर दूंगा अभी, जस्ट ये पूछा है कि आप मानते हैं उन सारी बातों को जो शिव जी ने शिक्षा दी है? 100% सर, मुड़ जाइए, 50% कर लीजिए, 25% कर लीजिए, परेशानी बन जाएगी, 100% ना कहिए। अली भाई आप आगे की बात करिए। भूप मेरे भाई देख लो, मैं चाहता हूँ यार आप रिस्पेक्ट के साथ आप हमारे चैनल से जाएं। देखें परसेंटेज कम कर लें, 100% ना कहें, क्योंकि मैंने दावा कर दिया है, ये पब्लिक सुन रही है कि आप कह रहे हैं कि आप 100% करते हैं, अभी साबित होना कि आप 1% भी नहीं करते। उस चीज को छोड़ दीजिए और उस चीज से मुझसे क्षमा मांग के आगे चलिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। अगर नहीं है तो फिर बात तो अब यहीं पर होगी। सुनिए अली भाई, मंत्रमुग्ध होना ये तकब्बुर की निशानी होती है। हमारे यहाँ हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, जीवन सर में, मैंने तकब्बर नहीं पूछा सर, मैंने ये तकब्बुर के ऊपर, सर मैंने तकब्बुर के ऊपर या तकवा के ऊपर लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, हमारी गुफ्तगू हो रही है। आप 100% की बात कर रहे हैं भाई। ओके ओके चलें, कंटिन्यू, आपकी मर्जी। आप शिव जी को 100% फॉलो करते हैं, शिव जी जो दुनिया पे तशरीफ लाए, उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए जो भी किया वैसा किया, ऐसे ही है? बिल्कुल है, सही है। चलें ठीक है, कैमरा ऑन कीजिए, मैं डिबेट हार गया। अपने गले में अब नंगापन दिखाइए, खोपड़ियां दिखाइए, बालों की जटाएं दिखाइए। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने आपको ये सिखाया कि दुनिया में आपको रहना कैसे, नहाना है नहीं, जटाएं बनी हुई होनी चाहिए, गले में खोपड़ियां होनी चाहिए, भभूत लगा हुआ होना चाहिए, आपको नंगा होना चाहिए। करिए साबित, आपने कहा था कि आप 100% शिव जी ने हमें सिखाने के लिए और हमने उनसे शिक्षा ले ली है और हम ऐसा करते हैं। कैमरा ऑन कीजिए, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊं। सुनिए अली भाई, कंटिन्यू प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं। आपने इसी तरह से सर, एक्सप्लेनेशन नहीं, मेरा रेफरेंस गलत है कि शिव जी नंगे रहते थे। आपको मैंने 10 मिनट एक बार भी नहीं इंटरप्ट किया। मेरे टाइम में अब मेरे ऊपर जो आपने कहा आप 100% फॉलो करते हैं, वो जो आए सिखाने के लिए आए, आपने सीख लिया, आपने कहा आप 100% वही करते हैं जो उन्होंने सिखाया, मुझे दिखाएं, कैमरा ऑन करें, पब्लिक को दिखाएं, मैं डिबेट आ रही, आप 100% साबित कर दें, भभूत लगा हुआ हो आपके मुंह पे, जटाएं बनी हुई हो आपकी और खोपड़ियां आपके गले में हो, मुझे पता चल जाएगा कि सबसे पहले तो शिव जी ने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया कि अपने आपको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, व्यक्तियों के अंदर, दुनिया के अंदर, इंसानों के अंदर रहते कैसे हैं।
जटाएं होनी चाहिए, नहाना नहोना नहीं चाहिए, बबूत लगाएं और शमशान घाटों में रहें, भूतों प्रेतों के साथ रहें, राक्षसों के साथ रहें, और आपको नंगा रहना चाहिए और खोपड़ियां गले में होनी चाहिए। प्लीज दिखाइए, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है शिव जी को, प्लीज। अब इससे बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपने कहा था आप 100% शिव जी को फॉलो करते हैं, और मैंने दावा किया था आप 1% भी नहीं कर पाएंगे, और मैं साबित करूंगा कि आप 1% भी नहीं कर सकते। प्लीज मॉडरेटर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, बात खत्म हो गई, ये दिखाएं कि क्या ये ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, या ये मान लें कि ये तरीका गलत था शिव जी का, ये शिक्षा नहीं थी, ये तो बेशर्मी वाली बात है कि आप नंगे रहें और आप नहाई ना पानी जैसी नेमत ईश्वर ने दी, अल्लाह ने दी है, उससे नहाना चाहिए, और आपको बाल काट के रखने चाहिए, गले के अंदर खोपड़ियां नहीं डालनी चाहिए, ये तो हैवानों वाली सिफत है, जानवर भी ऐसे नहीं करते। तो कभी कोई इंसान देखा है जो अपने आप को सिविलाइज भी किया और उसके गले के अंदर खोपड़ियां हो? तो आप अपना ये हुलिया दिखाइए प्लीज, हुलिया मुबारक दिखा दीजिए। हो गया, अब मैं बोलूं? जी बोलना नहीं सर, दिखाना है सर। देखिए ऐसा है, वही मैं 360 डिग्री इसीलिए बात कर रहा था, दिगंबर स्वरूप की महिमा को अगर आप समझ जाते तो आप सनातनी होते, आप शिव के भक्त। सर जी, सर जी, मैं नहीं समझ रहा, मैंने आपने आपने कहा कि शिव जी तशरीफ लाए, और देखिए सर कहानी नहीं, प्लीज मैं पब्लिक का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पब्लिक का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। भूख जी, भूख जी, सुनिए क्या रिफ्यूट करेंगे आप इधर करें, अभी कैमरा ऑन तो मैं रिफ्यूट हो गया, आपने कहा शिव जी जो आए हैं, मैं फिर पब्लिक को बता दूं, हमारे भूख भाई तशरीफ लाए हैं, शिव जी ऐसे रहते थे पब्लिक में, ऐसे रहते थे, ये साबित करें। वो दक्ष ने उनको ईर्ष्यावश जो बोला था, वो चीज को आपने पकड़ लिया, आपने उसके अलावा भी दिखाया, उसके अलावा भी, उसके अलावा भी, शिव जी को उसके अलावा भी दिखा, बात बोली थी, और उन दक्ष ने झूठ बोला था, अभिवादन नहीं किया था, दक्ष बोला था। ओके ओके, आपने ये अब आपकी बात बोला ना, आपने क्यों छुपाया ये बात? चले मैं बता देता हूं, मेरे पास रेफरेंस के साथ बात करता हूँ ना, चले दिखाएं शिव जी कहां कपड़े पहना करते थे, दिखाएं और वो नहाया करते थे, रेफरेंस दिखाई। भाई साहब सुनिए सुनिए, दिगंबर रेफरेंस के साथ बात करते हैं ना, करते हैं दिगंबर स्वरूप, शिव का दिगंबर स्वरूप सबसे यार तेल लेने गया, स्वरूप गया तेल लेने। मुझे ये बताएं कि अब बात तो इतनी सी थी, आपने ये दावा किया, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, शिव जी का हुलिया मुबारक जस्ट उधर ही नहीं है, आपको ना कोई गलत फहमी है, आपको कोई बहुत गलत फहमी है, पहले सनातन की किताब में पढ़ लिया करें। शिव जी का जो ये हुलिया मैंने आपको एग्जैक्ट बताया यही था, ठीक है, नहीं तो आप अपनी अगर मूवीज ही देखी हो तो उन्होंने मूवीज के अंदर भी दिखाया होगा कि ऐसा ही था, आपने एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया? मैं आपको ये सारी चीजें मजीद रेफरेंसेस के साथ दिखाऊंगा। आपने पब्लिक के सामने कहा शिव जी सिखाने आए थे भाई, और ये सिखा के गए आपको, वो सिखा के गए तो फिर आप गले के अंदर खोपड़ियां क्यों नहीं डालते, आप शमशान घाटों में क्यों नहीं रहते, आपकी जटाएं क्यों नहीं है, आपने भभूत क्यों नहीं लगाया हुआ, आप अलिफ नंगे क्यों नहीं फिरते, वजह बताइए मुझे। आपको सबसे पहली काम यह है कि आप तोहीन कर रहे हैं उस ईश्वर की कि वो आया शिव के रूप में और उसने आके आपको ये हुलिया पेश के किया कि ताकि आप भी ऐसे ही रहें। अब आप ऐसे नहीं रह रहे हैं क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिविलाइज हो चुके हैं, आप सिविलाइज हो चुके हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दें, मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज यार, मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज। ये सिविलाइज है बंदा? मुझे बताओ आज की दुनिया में भी कोई नंगा रहना और खोपड़ियां पहनना और ना नहाना, इस चीज को कोई बंदा कह सकता है ये बंदा सिविलाइज है किसी सोसाइटी के अंदर? तो ये सिखा के गए तो आप इसके ऊपर फिर पूरा आदर करें इस चीज का और ऐसे रहें। मैंने तो जस्ट आपसे कह दिया था पहले कि इस बात को छोड़ के मुझसे क्षमा मांग लें और आगे चलें, वरना आप 1% भी अभी तो बातें आगे भी हैं, शिव जी अकेला ये नहीं किया करते थे। बोलने तो दो, अभी तुम्हारा साबित हो जाएगा, बोलो जी, बोलो 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 भाई। जब पैदा होते हो तो कपड़ा पहन के आते हो या जब मरते हो तो कपड़ा पहन के कब्र में जाते हो? पहले मुझे इसका यार बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, देख लो भाग जाना इस पहले सुनो इस बात से भी भाग जाना आपने इस बात से भाग जाना, मैं पहले कह रहा हूँ उत्तर पूछा। अब आगे तो बोलने तो यार, बीच में टोकोगे तो कैसे चलेगा? देखो यार आपने उत्तर पूछ लिया ना, आपने प्रश्न पूछ लिया, उत्तर देने देना, आप हमको बोलने दो, मैं बोलिए 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 सुनिए, हर सनातनी को शिव के दिगंबर स्वरूप के बारे में मालूम है, हर सनातनी उसको ओन करता है और वो बहुत ही पवित्र स्वरूप है, ठीक है, गंदगी दिमाग में होती है। अब इसको इस तरह से समझो, दिगंबर स्वरूप होता है शिव जो है मृत्यु के देवता है, शिव जो है प्रलय के देवता है, मौत का स्वरूप इसी तरह से होता है, तांडव करती है मौत, मौत भयंकर होती है, मौत जो है मृत्यु के बाद भस्म बचती है केवल,
आपकी हड्डियां केवल बचती हैं मृत्यु के बाद, वो मौत का मृत्यु का प्रतीक है शिव। शिव का स्वरूप आपको मालूम है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के जैसे गोरे और संपूर्ण सुंदरता के साक्षात प्रतीक है शिव। उनको आप नंगा बोल रहे हो, नंगा बोलने से पहले ये समझते कि वो दिगंबर स्वरूप क्यों दिखाते हैं। मृत्यु का दूसरा नाम है शिव, काल भैरव जब बनता है शिव, जब मृत्यु क्या बहुत खूबसूरत होती है, मृत्यु के समय इंसान जो है जिस तरह से भयभीत होता है, उस दिगंबर स्वरूप को देखकर भी उसी तरह से भयभीत होता है। सनातन में ऐसा नहीं है। भूप भाई आपकी आवाज कम आ रही है, नीचे कमेंटिंग में कह रहे हैं कि थोड़ी सी आवाज को ऊंचा कीजिए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बोल सकता हूँ सर। नहीं नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप ऐसे बोल के निकल सकते हैं अली दादा, मैं यही तो बोल कर आपको बताने के लिए आया हूँ। ऐसे नहीं निकल सकते सनातन को आप बदनाम करके, ठीक है। ओहो, मैं कहीं निकल गया यार, मैं तो बैठा हूँ जलील, तो आप कर रहे हैं, कह रहे हैं शिव जी गंदे हैं, शिव जी मौत का रूप होता ही गंदा है, आप ये तो खुद कर रहे हैं। अली दादा और सर, मैं उनको अपना मुकदमा कंप्लीट कर लेने दीजिए जरा जी, बोलिए। कितने मिनट लेंगे अपना भूप भाई, ताकि मैं मुझे पता हो। कम से कम 3 मिनट मुझे चाहिए, अगर 5 मिनट मिल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन 3 मिनट तो चाहिए कम से कम। चले 3 मिनट सर, आपको टाइमर आप लगा दीजिए। मैं टाइम देख रहा हूँ सर, चल रहा है 43 मिनट में मैं आपको स्टॉप कर दूंगा। जी जी, शिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड के 19वें अध्याय के 3, 4, और 5 में विष्णु जी क्या कह रहे हैं शिव जी के बारे में, कि हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और ये सती अखिल संसार की माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं, यह समान श्रुति है। हे हर, आप चिकने नीले अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ उस प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ मैं शोभा पा रहा हूँ। सती नीलवर्ण और आप गौर वर्ण है, इसके विपरीत मैं नीलवर्ण और लक्ष्मी गौर वर्ण है। यहाँ पर शिव को गौर वर्ण कहा गया है, वो गोरे और बहुत ही अति सुंदर थे, वो विभत्स नहीं थे। लेकिन शिव के 5 स्वरूप होते हैं, एक काल भैरव स्वरूप होता है, स्वयं महाकाल रूप होते हैं। जब मृत्यु के समय जो होती है, मृत्यु नंगा नाच करती है, मृत्यु नंगी होती है, और मृत्यु के समय इंसान निर्वस्त्र होके जाता है। शिव कभी सार्वजनिक स्थान पर कहीं निर्वस्त्र नहीं थे। हमारे यहाँ जो नागा साधु होते हैं वो लंगोट पहनकर हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, -50 डिग्री पर लोगों के बाल तक जम जाते हैं, वहां पर जो है वो बर्फ से नहाते हैं योग शक्ति से। शिव योगेश्वर हैं, योगी राज हैं, योग शक्ति से। आप लोग क्या होता है कि तौहीद और इसमें ही फंसे रहते हैं, कभी आध्यात्म में जाइए तो आपको पता चलेगा कि ये शरीर जो है ये कपड़े के समान नश्वर है, और जिसके दिमाग में सेक्स ही भरा हो वो नंगपना और ये सब की बात करेगा। समाज में किसको कैसे रहना है उसका पूरा विवरण है हमारे सनातन में। और जब आप तपस्या करते हो तो पहले आपको माया मोह त्यागना होता है, फिर संसार त्यागना होता है, उसके बाद आपको तप और ध्यान से अपने अन्न को त्यागना होता है, अन्न के बाद आप वस्त्र त्यागते हो और दिगंबर बनते हो, यानी अंबर और धरती को अपना वस्त्र बना लेते हो। जब व्यक्ति दिगंबर होता है, निर्वस्त्र होना और नग्न होने में फर्क होता है। नग्न का मतलब होता है अपने जननांगों को ढकना, लंगोट, हमारे यहाँ लंगोटी की अवधारणा है, लंगोट पहनकर, केवल एक लंगोट धारण करके पूरे शरीर को खुला रख के बर्फ में वो तपस्या करते हैं, वो हट योग होता है, वो तपस्या होती है, योग होता है। जी भूभाई, आपका और मृत्यु की आपके 3 मिनट, आपके 3 मिनट जो, थैंक यू वेरी मच। 3 मिनट ये सब आपके पास भी 3 मिनट होंगे सर, अगर आप 3 मिनट लेंगे तो फिर सर सुन तो लेना सर, मेरी गुजारिश तो सुन ले। 3 मिनट इन्होंने ये लिए हैं, 3 मिनट उससे पहले लिए हैं, बताइए अब भी इन्होंने कोई बात नहीं। भूप भाई थोड़ा सा कान पास करें, आपने एक दलील पब्लिक के सामने रखी है, मैंने कहा था मुड़ जाए पीछे, आप मुड़े नहीं, आप आए थे नंगे, इसलिए रहना चाहिए नंगा, और अकेला पहनना चाहिए लंगोट। वीडियो ऑन करें और दिखाएं लंगोट पहन के बैठे हुए आप, नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि इन चीजों से बाज आ जाइए। हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसने हमें कपड़े दिए, उसने हमें अकल दी, उसने हमें तहजीब दी कि भाई अकेले लंगोट से काम नहीं चलते। ये बीबियों को भी लंगोट पहनाते हैं, मैंने मंदिरों के अंदर देवियां देखी हैं, उनके बूब नजर आ रहे हैं, आप बूब हो उनके बूब नजर आ रहे हैं, उनको भी लंगोट भी नहीं पहनाया हुआ।
तो इसका मतलब यह है कि अगर नंगा पैदा होता है तो इंसान उसको नंगा रहना चाहिए, पहले तो इस बात पे गौर कीजिए। दूसरी बात यह है कि आप ये कहानी सुना रहे हैं, अभी कह रहे हो जीवन वो पिता है, वो पिता है, शिव जी पिता है, और पिता कहां से बना दिया उसको वो, और फिर आपने उसको सेक्स से इनकार किया, उसके हुलिये से इनकार किया। मैंने आपके सामने अभी, मैं कह रहा हूं कि मैं रेफरेंस रखूंगा, आप एक बार दावा कर दें कि ये रेफरेंसेस जो मैं आपके सामने मैंने पहले रखे हैं जो आपने सुने, तीन रेफरेंसेस कम अज कम बता दें कि वो रेफरेंसेस नहीं है। जी शुक्रिया सैम भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अच्छा जी भूप भाई, आप ये जो हुलिया है शिव जी का, आप तो उससे इनकार कर गए, आए थे वो सिखाने, आए थे वो सिखाने, और आपने कहा जी कि ये मौत का रूप भी कोई खूबसूरत रूप होता है, ये भी कोई खूबसूरत होता है, तो मौत का रूप ऐसे ही होता है, मौत नंगी होती है। आपने शिव जी को नंगा मान लिया क्योंकि आपने उसको मौत का रूप करार दिया और उसके गले के अंदर खोपड़ी और ये सारी चीजें, और आप कह रहे थे आप शिव जी को 100% फॉलो करते हैं। तो मुझे बताएं, मैंने तो पहले भी आपके सामने बात रखी थी कि अपना आप वीडियो ऑन कीजिए, हमें पता चल जाएगा आप नंगे बैठे हुए हैं, लंगोट चले हमने लंगोट आपका मान लिया, हालांकि वहां पर लंगोट भी नहीं, लंगोट मान लिया कि लंगोट पहना हुआ, बाकी जटाएं उसी तरह, बाकी आपका सर उसी तरह, यही तहजीब है आपकी, यही सनातन है। तो आप अब तक वीडियो ऑन करके अपना आप दिखा नहीं सके, ये बड़ी शर्म की बात है। मैंने आपसे पहले कहा था इस बात से मुड़ आइए। उसके बाद आप ये कहते हैं कि शिव जी सेक्स नहीं करते थे, आपने शिव पुराण पढ़ा है, 1000 साल तक माता पार्वती को लेकर गुफा के अंदर वो क्या करते रहते, अगर वो सेक्स नहीं था वहां पर लव सेक्स के मौजूद है, फिर 1000 साल तक, 2000 साल तक देवता बाहर एड़ियां रगड़ाते रहे कि हमारी बात सुन ले, हमारी बात सुन ले, वो अंदर मगन थे। तो आप भी ऐसे ही करते हैं, आप भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि आप सनातनी हैं, क्योंकि आप शिव भक्त हैं, तो आप बीवी को लेकर अंदर जाएंगे, बाकी जाएं बाढ़ में। तीसरी बात यह कि आपने कहा सब कुछ त्यागना पड़ता है, आपको ये टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको वो करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है, ये इंसानियत है? हमारा इस्लाम ये कहता है, ये सनातन की खूबसूरती है कि बीवी बच्चे त्यागो और जाके पर्वत वहां पर पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाओ और वहां पर जाके लंगोट कस लो और बर्फ के अंदर नहाओ, क्या बात है, ये इंसानियत है, ये कारनामा है, इंसानियत ये है। जी आपका टाइम जो है सर, मेरा टाइम प्लीज 46 मिनट अब हुए हैं, प्लीज मेरा भी टाइम पड़ा है और मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। और फिर ये जो इंसानियत के काम तो ये है, सनातन ने फिर बंदों वाला काम तो ना बताया, उन्होंने कहा जी पर्वत पे चढ़ जाएं, बीवी बच्चों को त्याग दें, सब कुछ छोड़ दें। हमारा इस्लाम ये कहता है कि अपने बीवी बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक करें, पैसा कमाएं, उस पैसे के ऊपर उन यतीमों का हक है, बेवाओं का हक है, जो कमा नहीं सकते उनका राइट और हक है, लोग मेहनत करके अपने पैसे कमा के वो लोगों को दें, भूखों को दें, भूखों की प्यास खत्म करें, नंगों का नंगपन खत्म करें, ये है इस्लाम। और आपने ये बता दिया कि सनातन ये है कि बीवी बच्चे छोड़ो, दुनिया त्यागो और जाओ जाके जटाएं रख लो और जाके -50 टेम्परेचर के अंदर जाके बर्फ में रहो, ये कोई इंसानी कारनामा है? अगर बताया जाए जी एक बंदा है बर्फ के अंदर बड़ा नहा लेता है, इससे इंसानियत का क्या फायदा हुआ? सनातन ने ये सिखाया आपको, आप सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं। बात सनातन की नहीं हो रही थी, बात शिव जी की हो रही थी। अगर आपने वो हुलिया अडॉप्ट नहीं किया उनसे तो फिर आप बता दें कि मैंने नहीं किया और आगे चलते हैं। जी देखिए, मैंने शिव जी से होलिया अडॉप्ट किया, लेकिन शिव के 5 स्वरूप हैं। वो दिगंबर स्वरूप जो है, जो लोग अडॉप्ट करते हैं वो साधु बन के हिमालय के कंदराओं में जाते हैं, जो गृहस्थ बन के रहते हैं, गृहस्थ का सुनिए पूरी बात, गृहस्थ का जो होलिया है शिव जी से मैंने अडॉप्ट किया है। मैं सांसारिक जीवन में हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, सांसारिक जीवन में शिव जी कपड़े भी पहनते थे, हमें सारी सीख दे के गए। जब वो काल भैरव रूप में मृत्यु रेफरेंस देना भाई, रेफरेंस देना है, कहानी नहीं, कपड़े पहना करते थे वो कहां पर? अली रजा जब वो बात कर ले तो फिर आप रेफरेंस का मुतालबा कर लीजिए प्लीज, देखिए 2 मिनट उनके पास आ जाए। आपने जो रेफरेंसेस दिए हैं उस पे भी बात करेंगे, और जो आप दावा कर रहे हैं उसका रेफरेंस दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसके सारे रेफरेंसेस है मेरे पास, ठीक है? और मैं सनातन की मूल जो एसेंस पार्ट है सनातन का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। शिव के 5 स्वरूप थे, 5 में से 1 स्वरूप केवल दिगंबर था, और दिगंबर स्वरूप जब होता है, जब कुंडलिनियों को जागृत कर लेते हैं और उस परम शक्ति परम सत्ता से एकाकार करते हैं, तो परम सत्ता का एकाकार और ये जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है, वो परमानंद स्वरूप होता है। तो उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधु जो है, जिनको मोक्ष चाहिए, जो अपना तर्पण अपने जीवन में करके खुद अपने आप को मरा हुआ समझ के हिमालय की कंदराओं में पहुंच जाते हैं, उनके लिए वो दिगंबर स्वरूप है, इस संसार के लिए नहीं है। तो आप दो चीजों को गडमट करके, दो चीजों को जोड़कर सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, शिव का जो गृहस्थ स्वरूप था, शिव का जो कर्पूर गौरम स्वरूप था, उसकी बात आप करें तो उस स्वरूप को हम सनातनी जितने गृहस्थ हैं वो अपनाते हैं। शिव का जो रुद्र रूप है,
उस रुद्र रूप को हमारी सेनाएं अपनाती हैं और दुश्मन के छक्के छुड़वा देती है, शिव का रौद्र रूप जो होता है, तो जो हमारे नौ रस होते हैं वो शिव से ही निकलते हैं। करुण विभत्स, विभत्स रस की बात कर रहे हो, जो विभत्स रस होता है वो मृत्यु का होता है, रौद्र रस होता है पराक्रम का होता है, पांच स्वरूप है शिव के। तो शिव को पूरी तरह समझना पड़ेगा। केवल एक चीज जो संसार के लिए कोई मायने नहीं रखती है, वो चीज केवल और केवल हिमालय की कंदराओं में, बर्फ की गुफाओं में तपस्वियों के लिए, केवल एक लंगोटी पहन के और नग्न अवस्था में तपस्या करने का, हठ योग करने का जो है, उसको आपने संसार से जोड़ दिया। संसार में देखिए कौन सा सनातनी आपको निर्वस्त्र मिल जाता है। सनातन में जितने संस्कार हैं दुनिया में नहीं है, 16 संस्कार सनातन अपनाता है। बच्चा पैदा होता है से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार बहुत ही पवित्र होते हैं। सनातन में पवित्रता है। हमारे यहाँ बहनों के साथ शादी नहीं होती है, हमारे यहाँ जो है अन्य ऐसे काम नहीं होते कि केवल सेक्स पे सब कुछ डिपेंड है। हमारे यहाँ सेक्स को केवल बच्चा पैदा करने का माध्यम माना जाता है। हमारे यहाँ इंद्रियों को वश में रखने की बात कही गई है कि पांचों इंद्रियां जब वश में रहेंगी तो आप गलत काम नहीं करोगे। हमारे यहाँ सेक्स को सबसे निकृष्ट काम माना गया है और उसी सेक्स को लेकर सनातन को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। सनातनी तो नहीं मानेंगे, लेकिन आपके जो मुसलमान है वो थोड़ी देर के लिए भले ही ताली बजा लेंगे। देखिए जो दिगंबर स्वरूप है, मैंने इनको अपना टाइम दे दिया, हिमालय के लिए प्लीज आपकी बात होगी, प्लीज आपका टाइम, मेरा प्लीज, मेरा टाइम है, प्लीज वो प्लीज मेरा टाइम। देखो टाइमर मैंने दिया। सुनिए जेएल शास्त्री को सभी सनातन पूरी तरह नकारते हैं। शिवपुराण, ओ यार शिवपुराण, शिवपुराण, शिवपुराण बताओ, शिवपुराण खोलो, शिवपुराण के मैनुस्क्रिप्ट बताते बोले ना, मानते ही नहीं यार। अच्छा यार बताओ वो कहां पर पब्लिकेशन हुआ है। श्याम भाई प्लीज एक मिनट दीजिएगा। भूप भाई देखें, मेरा ताल्लुक लैंग्वेज के साथ है, संस्कृत तो मैं नहीं जानता, लेकिन उर्दू अदब के साथ मेरा रिलेशन है, ताल्लुक है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि आप कितनी गलत बात कर रहे हैं और पब्लिक के सामने कितना बड़ा झूठ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, मुझे दिखाएं। आप कहते हैं कि जी सारे सनातनियों ने उसको निकाल दिया है, आपके इंडिया के अंदर उसका छापा है, जहां पर वो छपता है, जहां से वो ट्रांसलेट करके आगे भेजता है। मुझे बताएं कौन से, एक मिनट प्लीज, उलमा की कौंसिल दिखाएं। आप जैसे नथु खैर है जिनको पता ही कोई नहीं, वो आके जेएल शास्त्री को निकालें और हम मान लें। आप अपने स्कॉलर्स का दिखाएं, इधर नेट पे मैं अभी निकालता हूं, मुझे बताएं किस किस स्कॉलर ने उसको नकारा है, बताएं। उन्होंने कहा जी ये बंदा ही गलत है, इसकी ट्रांसलेशन नहीं माननी चाहिए। बताओ एक बंदा जो ऑथेंटिक हो। नहीं मेरी बात सुनो, प्लीज 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 मेरी बात कंप्लीट होने दो। एक बंदा उठ के, आप जैसा बंदा जिसकी ना कोई शनाख्त, ना पहचान, ना पता कौन है, असल नाम का क्या है, कहाँ है, और जेएल शास्त्री जिसने डिग्री ली है, जिसको इंडिया ने डिग्री दी है, जिसने उसको ट्रांसलेशन का राइट दिया है, आपके छापों ने उसको छापा है, आप जैसा बंदा आके कहा जी मैं उसकी ट्रांसलेशन को नहीं मानता, आपकी अथॉरिटी क्या है? आप स्कॉलर्स का हमें दिखाएं कि सारे स्कॉलर्स ने अजमा करके जेएल शास्त्री के अगेंस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और फिर उसकी ट्रांसलेशन उस छापों से बंद करवा दी गई है और नेक्स्ट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। कहां पर किया आपने ये काम? नहीं किया तो फिर शर्म करें आप यार, झूठ तो ना बोले पब्लिक के सामने। आपके कहने पर जेएल शास्त्री को निकाल दें हम? अब जवाब, इस बात का जवाब देना पड़ेगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, ठीक है, और धैर्य से सुनिए। सर जवाब इसका यह है कि अली रजा साहब यहाँ पर लिखे कि फलां सन में फलां स्कॉलर ने उसको नकारा है और सारे स्कॉलर ने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो मुझे रेफरेंस दें। लंबी तो बात ही नहीं है, ये क्या बात हुई कि आपका जवाब देने के लिए मुझे टाइम चाहिए? आप जस्टिफिकेशन मिलेगा ना यार आपको? सुनिए मेरी बात, हम प्रूफ दीजिए, जस्टिफिकेशन है, प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, जस्टिफिकेशन है, ये प्रूफ नहीं, प्रूफ दीजिए। हनुमान प्रसाद पोदार नकारते हैं, प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए। लेकिन सर मुझे बताएं कि कौन कौन से छापों ने एहतजाज किया जेएल शास्त्री की ट्रांसलेशन के खिलाफ? आप जैसे बंदे हमारे चैनलों पे आके कर रहे हैं, आपकी कोई वक्त नहीं है। अगर स्कॉलर्स ने ऐसा किया तो मुझे दिखाएं। इंडिया में 9 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस वामपंथी, वो मुसलमान थे ना कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले मुसलमान नहीं थे, वो वामपंथियों को बढ़ावा दे रहे थे। फिर कोई करने वाली बात करो, चलो ठीक है, अब तो नहीं है ना मेरे भाई, करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको अवार्ड भी दिया गया, उसके छापों को भी जनाया गया। जब से बीजेपी की सरकार आई है ऐसे लोगों का मुंह बंद हुआ है और अब धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। तो हम केवल 8 साल पहले मुक्त हुए, 8 साल पहले तक हम गुलाम थे, पहले अंग्रेजों के, उसके पहले मुगलों के, उसके बाद कांग्रेस के, नकार रहा हूँ और लोग नकार रहे हैं। आठ सालों में आपके स्कॉलर सोए हुए हैं,
सिर्फ आपको ये बात पता चल गई है, स्कॉलर्स ने पब्लिक में आके इसको रिजेक्ट क्यों नहीं किया? अरे जिस दिन स्कॉलर आके रिजेक्ट करेंगे ना, आप जैसे बंदों के कहने पे तो हम नहीं कर सकते। जब जिस दिन स्कॉलर्स हिंदू इकट्ठे हुए, उन्होंने आके पब्लिक के अंदर ये बात कही कि जेएल शास्त्री अच्छा ट्रांसलेटर नहीं है, वो गलत है, उसकी किताबें बंद कर दें, छापे उनके नेक्स्ट कभी कोई चीज नहीं छापेंगे, ये बंदा काबिल एतमाद नहीं है, जब ये आपके स्कॉलर्स कहेंगे ना हमारे सर आंखों पे, और जब तक नहीं कहते तब तक आपको चाहिए कि चुप करें और उसके खिलाफ एहतजाज करें जाके, हमारा तो सर ना खाएं, पब्लिक का टाइम तो ना पे। देखो सिंपल है वो भाई, सिंपल चीज है वो भाई, देखिए सिंपल चीज है मेरे भाई, मेरे भाई ठीक है, मेरे भाई ठीक है वो भाई, देखो सिंपल चीज है मेरे भाई, देखो आपने सलमान रुश्दी का एक एग्जांपल दिया है, हमारे जितने स्कॉलर्स है, हमारे जितने उलमा है, सब उसको नकारते हैं, ठीक है, वैसा ही आपके पास अगर कुछ प्रूफ है जेएल शास्त्री के लिए तो आप बताइए, फिर हम बात करते हैं, प्रूफ चाहिए मेरे भाई। चार से पांच साल पहले एक प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा गया था देवबंद में, मुसलमान जो है गीता प्रेस का हूबहू प्रूफ छाप के, उसका क्या लेना देना है मैं जेएल शास्त्री की बात कर रहा हूँ। सैम अगर ये मैं जेएल शास्त्री की बात कर रहा हूँ ताकि सच बाहर ना आए, नहीं आप दूसरी बात कर रहे हैं, आप दूसरी बात कर रहे हैं, आप दियोबंद की बात कर रहे हैं आप, अरे ओ यार, ओ यार दियोबंद की बात ना करें, मैंने जो कनेक्टेड नहीं, मैं जो सिंपल सवाल जो पकड़े गए थे वो फतेहगढ़ की जेल में बंद है, और जब ये प्रकरण क्या करना है इसका, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, एहतजाज हुआ था क्या, कर इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, दियोबंद में पकड़ा गया, इसका क्या, मैंने आसान कर दिया, मैंने आसान जी जी मेरी बात ध्यान से सुने, हम मानने के लिए तैयार है, सैम भाई भी मैं भी, हम भी जेएल शास्त्री को अभी रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन किसी लल्लू पंजू के कहने पर नहीं, आपके स्कॉलर्स का जहां पर जमा हुआ है, आठ साल तो अब काफी होते हैं, आठ सालों के अंदर जहां पर स्कॉलर्स ने मीटिंग करके ये बात तय करके पब्लिक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दें, अगर नहीं है तो फिर जाके शर्म करें, जाके पहले अपने स्कॉलर से पूछें, उन्हें कहें वो क्यों कंडेम नहीं कर रहे, फिर आके हमारे साथ बात कीजिएगा, आपको तो बात करनी नहीं बनता, सबूत है तो दिखा दें, बातें जितनी मर्जी घुमाई जाए, आप इस बात के ऊपर कितनी बात करना चाहते हैं, मुझे दिगंबर का मीनिंग क्या कहा एक थोड़ा बता दीजिए, दिगंबर का मतलब होता है जिसने अपने वस्त्र त्याग दिए हो और वो ध्यान अवस्था में बैठ गया हो, एक लंगोट पहनकर केवल जो है समाज में आए, या एक अंग वस्त्र कोई ठीक है सही ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है शिवपुराण के अंदर क्या लफ्ज में आई है, शिवपुराण नग्न और दिगंबर कौन लफ्ज आई है, नग्न, नग्न मीनिंग क्या होती है, नग्न का मीनिंग क्या होती है, नग्न का मतलब होता है जननांग को ढकना, नग्न उसका एक मिनट भाई भाई भाई, नग्न को अर्थ क्या है, जननांग को ढकना, जननांग को केवल ढकना यानी कि लंगोट पहनना और बाकी कहाँ लिखा है ये बात भाई कहाँ लिखा है, और निर्वस्त्र का मतलब बता दो, देखिए संस्कृत जो डिक्शनरी है पौराणिक का वो है अमरकोश, एक मिनट अमरकोश है ठीक है भाई, अच्छा थोड़ा मेरा स्क्रीन लेकर आओ, शेयर कर दीजिए जुल्फकार भाई, मैं कर देता ब्रदर राहुल सेंस, आप आपकी मैंने कर दी, यह है अमरकश जो पौराणिक है, ठीक है पौराणिक है, अच्छा यह पर जो नग्न है, अच्छा यह पर क्या लिखा है अर्थ, पर आप पढ़ दीजिए भाई, जिसने कपड़े ना पहने हो या खुला ना हो, अच्छा इसके जो अमरकश सबसे बड़ा ऑथेंटिक, एक मिनट जिसने आकाश और धरती को अपना वस्त्र बना लिया हो, एक मिनट ये दिगंबर का, वहां पर दिगंबर नहीं है, नग्न लिखा है, दिगंबर जब है वो अर्थ लेंगे, लेकिन ये जो शिवपुराण के अंदर जो संस्कृत आई है नग्न जिसने कापड़ नहीं पहना, वहां पर इसका अगर मीनिंग होती लेंगे तो शिवपुराण का जो अर्थ निकाल गए, शिव वहां पर कहीं कपड़ा थे ही नहीं, अरे यहाँ पर देखिए इसका समर्थक शब्द क्या लिखा है, विवास, कोई आपने जो बोला ना जो नग्न के अर्थ विवास कहा लिखा है, यह पर अमरकोश में लिखा है, अमरकोश का सुनिए, अमरकोश का आप हार्ड कॉपी दिखाइए, अरे भाई भागने की कोशिश नहीं करना भाई, यह पर भागने की कोशिश नहीं करना,
भागने की कोशिश नहीं हो रही है, जो मैंने बोला वही इसमें लिखा हुआ है। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी ऑन आपको डिक्शनरी की। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, हार्ड कॉपी भी, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी मैं करता हूं। राहुल भाई एक मिनट यार, भूप आप जब तशरीफ लाए तो हमने आपसे कहा, ये बात तो सुने ना, हमने आपसे कहा हार्ड कॉपी दिखाएं तब मानेंगे, ये ऑनलाइन दिखा रहे हैं आप। बात नहीं है, आप अपने भाई से कहें एक मिनट प्लीज, मैं आपको मसला हल कर देता हूँ ना। देखिए मसला हल होना चाहिए भूप भाई, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अपने भाई से कहें कि ये वाली डिक्शनरी ये खोलें अपने पास से और ये वर्ड लिखें। चलें राहुल भाई ने अपने पास से ये डिक्शनरी भी बना ली, ये मुसलमान है आप ट्रस्ट नहीं करते यार, सुन तो लेना भूप भाई, आप हमें डिबंक कर दें यार भूप, भूप भूप यार, ये अमर कृष्ण है ना, ये बार देखिए यार, अपने भाई से कहो वो शेयर करे ऑनलाइन, वो डिक्शनरी वो शेयर करें, अदरवाइज ये कौन सी कौन सा तरीका है? आप तब ये बात करते जब आप हमारे सामने हार्ड कॉपियों में ला के किताब में रख रहे होते, फिर ये मुतालबा करते। और आजकल तो सारी चीजें वैसे भी शिफ्ट हो गई हैं, ये डिक्शनरी अगर गलत है तो जाके उनके अगेंस्ट भी फिर रपट दर्ज करवाओ। ब्रदर राहुल हुसैन साहब ने जो आपको दिखाया ना ऑनलाइन, अगर वो गलत है अपने भाई से कहो वो अपने पास से शेयर करे, अगर वहां पर भी ये निकल आया फिर अपना इलाज बताओ। हद हो गई यार जी। हाँ मैं एक चीज चाहूंगा, क्योंकि हमारे भाई तशरीफ लाए, आप जस्ट सैम भाई अब सुनिएगा, अब मैं चाहता हूँ टू दी पॉइंट, ये दो पॉइंट्स जो इन्होंने मेरे डिबंक करने हैं, जो मैंने रेफरेंस दिए हैं गलत, वो ये मुझे बताएं ताकि अगर मैंने गलत दिए हैं तो उस पर मैं इनसे माजरत करूं, और अगर वो ठीक है तो ये मुझसे माजरत करें, क्योंकि उन्होंने मुझ पर रोक लगाया कि मैंने रेफरेंस गलत दिए। जी ब्रदर आप, आपको पूरा राइट है, आप एतराज कर सकते हैं, अगर मैंने रेफरेंस गलत दिए तो बताइए कौन सा रेफरेंस मैंने गलत दिया। अद्वैत जी स्क्रीन शेयर करिए जरा, अद्वैत जी की तीन स्क्रीन शेयर हैं, उन्हें क्या पिछली हटा दें और वो वाली शेयर कर दें। Which one? जो मेन मेन पीपीटी है। महादेव, महादेव पीपीटी। हाँ हाँ महादेव। ओके। प्लीज जुल्फिकर, जुल्फिकर जी, काइंडली शेयर द। यार मैं कह रहा हूँ कि तीन है, तीन स्लाइड्स आपकी शेयर हैं, ये जो आपके साथ दो हटा लो अद्वैत जी, दो काट दो, केवल महादेव, हाँ ये वाली रहने दो, ये वाली रहने, ये वाली रहने दे, बाकी हाँ। हटा दें जी जी, बाकी भी मैं दिखाना चाह रहा था, सबूत देना चाह रहा था कि जेल शास्त्री किस तरह से, लेकिन चलिए वो वहां फंसेंगे तो कोई मतलब नहीं है, दर्शक अपना मन बना लेंगे कौन सच्चा कौन झूठा, दर्शक तय करेंगे, हम कोई नहीं होते तय करने वाले। ठीक है आगे इसका ऊपर का स्लाइड दिखाइए जरा सर, ये आप अपने बंदे से कहें ना इसको स्क्रॉल करे, जहां से जो रेफरेंस आपको चलाना है वो चलाए यार, और ऊपर जाइए। हाँ श्रीमद भागवत पुराण का आपने स्कोर किया था कि शिव जी का ये जो स्वरूप है वो ऐसे रहते हैं, भस्म रमाते हैं, सर में गले में वो डालते हैं, वो उसके लिए जी आपने जी। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही अश्लील तस्करा आपने किया था अपने स्ट्रीम में, जबकि ऐसा नहीं था, जहाँ जैसे वहां पर ऋषि जो है शिव जी को ऐसा बोल रहे थे, शिव जी का ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, उनका कैरेक्टर पाक साफ है, उसी तरह से यहाँ पर भी शिव जी का कैरेक्टर पाक साफ है, दक्ष जो है ईर्ष्यावश द्वेषवश तकव्वुर की वजह से शिव जी को वो कहा जो सच नहीं था, इसी कारण। अच्छा, प्यारे भाई अगर मुझे इजाजत दें, देखें मैं बड़ी टू दी पॉइंट बात करूंगा और आपको पूरा टाइम साथ आपको पूरा टाइम दूंगा। मैंने रेफरेंस गलत दिया है, बात ये हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि दक्षा ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा रहता है, हालांकि मेरे पास उसके और भी रेफरेंसेस हैं, दक्षा वाली बात झूठ मान लें तो भी आप पिछली अपनी गुफ्तगू में वो मान चुके हैं कि वो ऐसा रहते थे, उसके पांच रूप थे उसमें से एक रूप ऐसा ही था, वो तो आप मान चुके हैं, मान चुके हैं, फिर ये मेरा रेफरेंस कैसे गलत हुआ? देखिए आपका रेफरेंस इस तरह से गलत हुआ, जब आप तस्करा कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि आपने पूरा पढ़ा नहीं होगा, आपको वहां पे ये बोलना चाहिए था कि दक्ष ने गुस्से में आकर ऐसा बोला, ठीक है, आपने वो नहीं बोला, आपने बोला शिव ऐसे रहते हैं, ये तो ऐसे हैं, आपने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सॉरी बोलें, आप दर्शक ये क्लियर कर लें कि शिव जी वैसे जी। जिस तरह से दक्ष बोल रहे थे, दक्ष ईर्ष्यावश बोल रहे थे। जी देखिए आपने बात कंप्लीट की, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका आपका धर्म जो है उसका भी सम्मान करता हूँ, हमारा कतन ये मकसद इस्लामिक अवेकनिंग टीम का, सैम भाई का, हमारे किसी भी भाई का जो हमारे साथ रिलेटेड है, किसी का ये मकसद कतन नहीं है। आपने ये फरमाया कि रेफरेंस अली रजा ने ठीक दिए, ये तो आपने ऑन कर लिया, पब्लिक ने भी देख लिया, दर्शक देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि रेफरेंस ठीक है। अब जो आपको मसला आ रहा है उसमें से आपने कहा जी कि आपने ये लफ्ज अश्लील बोले कि शिव जी नंगे रहते हैं,
शिव जी खोपड़ियां गले में डाल के रहते हैं, भभूत मला हुआ होता है उन्होंने, उनकी जटाएं बनी हुई हैं, नहाते कम है। मैंने ये रेफरेंस दिया था, ये इतना पब्लिक को बता दें ये रेफरेंस है या नहीं है, अगली बात मैं फिर करता हूँ प्लीज। देखिये रेफरेंस है, जिसे अभी आपने एक बात बोली नहाते नहीं है, वो वहां पर शिव जी के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं है, वो शिव जी नहाने का ऐसा कुछ वहां पे लिखा ही नहीं है। दक्ष मैं सर गंदा रहता है, दक्ष सर गंदा रहता है, पवित्र रहता है। ये नहीं सर, मैं एक रेफरेंस जी भू भाई मैं एक रेफरेंस की बात नहीं कर रहा, मैंने शिव जी के हुलिये पे तीन रेफरेंस दिए, मैं उन तीनों को मिक्स करके बता रहा हूँ, आप जस्ट एक को ले रहे हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं ना कि दक्षा ने कहा, दक्षा के अलावा भी लोगों ने कहा है, माता पार्वती जी ने भी कहा है, माता पार्वती जी ने भी कहा है प्लीज, वो तो झूठ नहीं ना बोल रही थी, दक्षा ने तो गुस्से में कह दिया, क्या माता पार्वती ने भी गुस्से में कह दिया था? या एक और मैंने रेफरेंस दिया, अच्छा प्लीज मैं, आप मेरी बात फिर नहीं समझे, मेरा रेफरेंस गलत था, वो रेफरेंस में वैसा लिखा हुआ है या नहीं? वो रेफरेंस में जो लिखा हुआ है आप एग्जैक्टली वो कोट करते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। ओके सर, मैं अभी कर देता हूँ, मैं सर दोबारा कर देता हूँ, मैं पब्लिक से भी थोड़ा सा टाइम लगेगा जी, हमारे भाई क्लियर क्योंकि नहीं हो पा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ना मैं बिल्कुल क्लियर करके भेजूँ, कोई ऐसी बात नहीं, अगर मेरी कोई बात ये गलत साबित कर दें तो मैं माजत करने के लिए तैयार हूँ हमेशा के लिए, कभी भी कोई अगर कर दे, कोई हम इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन मैंने गलती की नहीं है, ये जो फरमा रहे हैं ना उसमें मेरी गलती है नहीं है, मैं ये दिखा के इन्हें वो एग्जैक्ट वर्ड दिखा देता हूँ, सारे जो ये कह रहे हैं कि मुझे सारे ही दिखाएं, मैं सारे दिखा देता हूँ सर। आप अपनी स्ट्रीम सुन लीजिए उसमें, या दर्शक सुन लीजिए, सुन ही लीजिए, मैं ये आपके सामने अभी लगा रहा हूँ यार, ये तीन रेफरेंस हैं जो मैंने दिए, ठीक है जी, आप एक रेफरेंस को कह रहे हैं ये शिव पुराण का है, ये रेफरेंस है, उसका तो डिस्कशन हो गया अभी, हम लोगों ने यही बात, नहीं सर डिस्कशन तो हो गया, मैंने जो रेफरेंस दिए हैं मैं वहां वहां से बताता हूँ ना कि मैं क्या क्या कह रहा था। ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पे शिव पुराण है और इसकी बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 8 से लेके 13 तक है। ये देखें, वंस द लीडिंग ब्राह्मण डिवोटीज ऑफ शिवा एनग्रोस्ड इन द मेडिटेशन ऑफ शिवा वेंट इन टू द फॉरेस्ट for bringing sacrificial twigs. In the meantime, Shiva himself assumed a very hideous form, came there in order to the test their devotees. He was very brilliant but stark naked. Oh, बिल्कुल नंगा था. He had smeared ashes all over body. उसके जिस्म के ऊपर भभूत लगा हुआ था. ठीक है, और आगे लिखा हुआ है as the sole ornament. Standing there and holding this penis, he began to show all sorts of victorious tricks. ये आगे वाले हिस्से पे बात हो चुकी, पीछे इसमें से आपने देख लिया कि वो नंगे थे, और ये दक्षा ने नहीं कहा, ये दक्षा नहीं कह रहा। अगला रेफरेंस देखिए, सुनिए सुनिए, रुकिए रुकिए, इसमें रुकिए, पहले इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो नहाते नहीं थे। सर मैं दिखा देता हूँ, सबर तो करें यार, मैंने कहा मैंने तीन रेफरेंस दिए, आप तीनों को मिक्स करके एक बात ना करें, मैंने तो पब्लिक के सामने अब रख दिया है, आपने संस्कृत में उनको नंगा मान लिया पहले कि वो हान का पांच रूप थे, एक में नंगा रहता था, वो तो आपने मान लिया हुआ है, वो तो अब आगे सनातन का बेस है, वो उसका तो बेस है ना जी, नंगा रहना बेस है, मैंने मान लिया सर, वो आपने हमने इंग्लिश में नंगा किया था, आपने संस्कृत में किया, वो तो शुरू में समझ की बात नहीं है, मेरा रेफरेंस गलत है, रेफरेंस में आपने जो तस्करा किया है वो गलत है, मैं हमेशा वही बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला, फिर सर वही बात, रेफरेंस ठीक है, तस्करा गलत है, तस्करा कैसे गलत है, मैं अभी आपके साथ ये जो बात की है ये दक्षा ने की है, ये जो मैंने अभी रेफरेंस दिया और ये दक्षा ने किया है, ये श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 13-15 ये दक्षा कह रहा है, ये सुनिए तो भाग गया। हाँ बताइए, आप बताइए सर, सुन तो लेना, ही लिव्स इन फिल्थी प्लेसेस, गंदी जगहों पे रहते थे, कोटियों वाली जगह पे रहते थे, आप भी रहा करें क्योंकि मौत का स्वरूप है ना, आप कहते हैं जी हम तो फॉलो करते हैं 100%। He lives in filthy places like a, यार लफ्ज छोटा सा, क्रेमेटोरियम, हाँ शमशान घाट, एंड हिज कंपेनियंस आर द गोस्ट एंड डेमन्स, नेकेड लाइक अ मैडमैन, पागलों की तरह वो नंगे रहते थे, सम टाइम लाफिंग एंड सम टाइम क्राइंग, ही स्मीयर्स this much with the ashes. Always body.
ही डज नॉट बाथ रेगुलरली जनाब। ये कौन बोल रहा है? ये दक्ष ही बोल रहा है ना, ये दक्ष बोल रहा है, ये दक्ष बोल रहे हैं, दक्ष बोल रहे हैं, ये दक्ष बोल रहे हैं भी तो सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है फिर? वो लिखा हुआ है ना 4-2-3, मैं तो लिखे हुए की बात कर रहा हूँ ना, और वो पिछला भी दक्ष बोल रहा था, एक और रेफरेंस देता हूँ, वो भी दक्ष बोल रहा है, दक्ष का है ये जो आप बता रहे हो, दक्ष से दक्ष गुस्से में बोल रहा था, पर वो खोपड़ियां पहनी हुई है, ऑर्नामेंट इज बॉडी पहनी भी रहती है ना, हड्डियां और खोपड़ियां डाली हुई है वो भाई, मेरा रेफरेंस गलत है? No, no, let me speak here that it is coming from a opponent. Okay, from opponent okay. What comes cannot be taken as a praman. It cannot be very taken good, as a very good, very good. I hold you here. Ek minute rukiye aap, theek hai, aap kisi ka praman nahi lete, par sare jitne shiv ke murtiyan dekhte hain hum, unke andar khopdi opdi tangi hui rehti hai, murtiyan hai na shiv ji ke, waise hi wo accept kyun kar rahe hain? Wo daksha ke praman, ha daksha ke logon ne banaya hai wo. आरोप लगाया, उनको बात करने दीजिए, पहली बात तो ये मेरे सारे रेफरेंस, ये बात वाला भी मैंने इन्हें दे दिया, आगे चले, ये आगे एक और रेफरेंस, नहाने का नहीं लिखा हुआ है, आप नहाने का कहीं सिद्ध करिए कि नहाते नहीं, टेकिंग बात करते सर, टेकिंग बात का क्या मतलब लेते हैं सर आप, कहां लिखा डजंट टेक बात, वहां लिखा है डजंट डजंट बेथ लिखा है वहां पर, नहीं प्रभु पाठक को भी लात मारो, ये प्रभु पाठक की ट्रांसलेशन है, ये प्रभु पाठक लात, प्रभु पाठक को भी आज निकले जैसा मारना लात, संस्कृत एक रेफरेंस और है, मूल श्लोक है, सुन लो सुन लो, होली दरवाना अलोंग विद हिज वाइफ हु वाज वेरी ब्यूटीफुल इन ऑल हर लिम्स बट ही वाज नेकेड, अब ये नेकेड उसको नंगा मैं नहीं कह रहा, और ये आपका ट्रांसलेटर नीचे फिर मौजूद है, इसको भी जीवी टैगोर को भी जो है इसको भी लात मारी है, अब आपके मुख्तलिफ ट्रांसलेटर हैं, सारे कह रहे हैं नंगा नंगा नंगा, और ये आप भी माने हुए हैं, आपने संस्कृत में नंगा माना था, ये इंग्लिश में कह रहे हैं, बात तो कर लेने दे सर, मैं दिगंबर का मैं सर, मैंने जो रेफरेंस दिए मैं उन पर बात करूंगा, अभी मैं आपको माता पार्वती जी का भी रेफरेंस देने वाला हूँ, जो कहती है कि न्यूड नंगे होके ये सेजिस को बीवियों को इंप्रेस करने के लिए जंगल में जाते हैं शिव जी, वो भी हमारी हो गई, अब वो भी मुसलमान ही थी सर, मेरे रेफरेंस पहले सर, जो मेरे ऊपर आरोप लगाया आपने पब्लिक में पहले उसके ऊपर, मेरे पास रेफरेंस है, मुझे बोलने नहीं दे रहे, और ये जीवी जीवी टकारे, ये जीवी टकारे दियोबंद के ही है अली भाई, ये भी प्रभुपाद भी दियोबंद के है, हाँ जी बिल्कुल, आगे बढ़िए अली भाई, इंग्लिश में जी सैम भाई मैंने पूरा मौका दूंगा जी, बोलिए आपके पास कितना टाइम चाहिए आपको, बताइए बोलिए कितना टाइम दूं आपको, मुझे 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में आपका सर, मैं 5 मिनट दूंगा, लेकिन मुझे आपने ये बताना है, भाई 5 मिनट नहीं बोले अभी तक, हम नहीं बोलेंगे, आपने 5 मिनट नहीं बोले आप अभी तक, ओके शुरू हो गया आपका टाइम, टाइम दीजिए, शेयर करिए स्क्रीन शेयर करिए, उसके बाद टाइम शुरू करना जी जी अली भाई, मैं कि वो रेफरेंसेस मेरे गलत हैं या ठीक हैं, क्या कहते हैं? देखिए आपके रेफरेंस में मेरी जो आपत्ति थी अभी भी वही है कि जो दक्ष ने बोला था वो बात आपने नहीं बोली, केवल आपने शिवजी ऐसे रहते थे ये दावा किया था, ठीक है रेफरेंस में वो लिखा हुआ है, लेकिन किसी दुश्मन ने आपके बारे में कोई गंदी बात बोल दी है, हालांकि आप कहीं जाते हैं तो जाने के बाद उसने और 10 चीजें ऐड कर दी है, ऐसा बोल के एडिशनल बोल दिया है, उसको एडिशनल को आपने और 10 गुना एडिशनल करके बता दिया दर्शकों को, लेकिन ये छुपा लिया कि दक्ष ने ऐसा बोला है शिवजी के बारे में, और दक्ष शिवजी का दुश्मन था या उनके साथ उसकी नहीं पटती थी, उसका ससुर उनका ससुर था उसके बाद भी नहीं पटती थी, ये बात आपको बोलनी चाहिए थी, पहला मेरा ऐतराज ये था, इसीलिए आते ही मैंने ये कहा था कि भाई रेफरेंसेस तो ठीक है लेकिन उनका जो है आपने तस्करा जो किया है 360 डिग्री चेंज कर दिया है, वही बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, और दूसरी बात शिव का
जो दिगंबर स्वरूप है, महाकाल स्वरूप है, जो मृत्यु का रूप है, वो निर्वस्त्र और दिगंबर होता है, उसको हम ओन करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं होती है, वो आध्यात्मिक रूप से जो मृत्यु हो जाती है इंसान की। देखिए सर, ये अपेक्षा बातें होगी ना, वो भाई आपने जो आपत्ति मेरे सामने रखी, अगर मुझे इजाजत दें मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ, करूँ क्लियर? हाँ, आप दक्ष के बारे में बोल देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। सर सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी प्रेजेंटेशन सुनिए। शिव जी के ऊपर मेरे प्रोग्राम पड़े हुए हैं जिसमें मैंने ये कहा, आपके सामने ये दो स्ट्रीम्स कम अज कम पड़ी होंगी मेरी प्रेजेंटेशन के, माता सती जी जब वहां पर गई हैं तो उन्होंने कहा कि शिव जी को आपने क्यों नहीं बुलाया, तो शिव दक्षा ने आगे से ये कहा कि शिव जी ऐसे ऐसे रहते हैं, हम इसलिए नहीं बुलाया उसको, ये मैंने कहा है। पहली बात ये कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैंने ये कहा है, और एक दफा नहीं, कम अज कम मेरी दो स्ट्रीम्स के अंदर मैंने ये बात कही है प्रेजेंटेशन के अंदर कि दक्षा ने ये कहा है। लेकिन दक्षा के अलावा मैंने आपके सामने रेफरेंस रख दिया कि सेजिस ने भी ये कहा है, सेजिस के अलावा आपने खुद भी इसको ऑन कर लिया कि एक पांचवा रूप है, वो ऐसे ही नंगड़ंग रहते थे, वो मौत का रूप नंगा ही होता है, वो आपने भी माना। फिर माता पार्वती के हवाले से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि वो, उन्होंने भी कहा कि वो सेजिस की बेबियों को बहलाने के लिए, पहकाने के लिए जंगल में जाते हैं और वो न्यूड होते हैं। ये अकेली बात दक्षा की नहीं है, आप तो आप भी मान गए हुए हैं कि हाँ मौत का रूप ऐसे ही होता है, ये तो आपने भी तस्लीम कर लिया। और जो आपने मुझ पर आपत्ति लगाई कि मैं अगर ये कह देता तो आपको कोई एतराज ना होता, तो वो बात मैंने कही हुई है भूप मेरे भाई, लेकिन आपने वो स्ट्रीम में नहीं कही थी जो मैंने देखी भाई, उसमें नहीं कही होगी। देखें टू दी पॉइंट बात बाज दफा होती है, बाज दफा जब मैंने पूरी उसकी बेस बना के अपने रेफरेंसेस दिए हैं वहां पर मैंने ये कहा है, एक दफा नहीं दो दफा कहा है, चेक कर लीजिए, अगर नहीं कहा मैं क्षमा मांग लूंगा, आपको गलतफहमी होगी मेरे भाई। वो स्ट्रीम में आपने नहीं कहा, मेरा पॉइंट है भाई, अली रजा भाई, आई वांट टू से समथिंग दैट there are reports of such a kind of blasphemy against every prophet also, like Fartana is there, one story of Fartana was used to blaspheme against sallallahu alaihi wasallam, and there are many stories. So what they were telling about him, should one cannot take them as proof, right? So some people like Daksh, who is a proud person, according to Sanatan, proudness is a bad quality of a person. So a proud person who is defaming Shiva should not be taken as a proof of the quality of Shiva. That is what we meant to say. Tere bhai, aap phir meri baat nahi samjhe. Maine jo Daksha ne statement di hai, Daksha ke alawa aapko Sages ki bhi wo statement dikhai hai, aur Mata Parvati ji. और ये जो बात मेरे ऊपर इन्होंने आपत्ति जाहिर की उसको मैंने क्लियर कर दिया, आप मेरी जाके वो स्ट्रीम देख सकते हैं। अब आपका तो एतराज बाकी नहीं रह गया, क्योंकि मैंने, इन्होंने कहा कि आपने ये दक्षा वाली बात क्यों नहीं बताई, तो मैंने वो बताई है, एक दफा नहीं दो दफा बताई है। तीसरी बात ये कि अगर वो ऐसे नहीं रहते थे तो किसी ने भी इसको कंडेम नहीं किया, आज भी शिव जी की मूर्तियां उसी तरह हैं जिस तरह दक्षा ने बयान किया था, आज भी उसी तरह cloth of made of the tiger's skin, and he has a nag around his neck. Sir, maine dekhe reference diye hain. Sir, maine reference. Ek cheez aur thi, Ali bhai. Ek cheez aur thi. Barabar Rakshas ki jo DP hai, usko aapne Shiva se compare kiya tha. Wo bhi highly objectionable tha. Barabar Rakshas ki jo DP hai, wo Rakshason ki DP hai. वो देखें ये आप गिला कर सकते हैं मुझसे, लेकिन ये कोई मैंने रेफरेंस के तौर पे तो नहीं ना पेश की। मैंने ये कहा है कि शिव जी का भी, देखें बात तो सुन लेना सर, आपने एक एतराज किया मुझ पे, मैंने कहां से लिया, क्योंकि मैंने शिव जी की उस तरह की कई पिक्स नेट पे देखी हैं, और वो बंदा कह रहा है कि मैं शिव भक्त हूं, और शिव जी की जटाएं थी, शिव जी भभूत लगाए हुए थे, तो उस पिक्चर के अंदर भी ऐसा ही है, इसलिए उससे मैंने ये असेस किया। वो बंदा मुझसे आके कहे कि भाई मैं, मेरी ये डीपी नहीं है, शिव जी वाली नहीं है, मैंने राक्षस वाली लगाई है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम यार। और इसमें मैं केवल दर्शकों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी फ्रॉम हुम द स्टेटमेंट इज कमिंग, नंबर वन, नंबर टू इज दैट वेदर वी कैन ट्रस्ट ऑन दैट स्टेटमेंट और नॉट। देखें ब्रदर मेरी बात सुने, रीनॉर्मलाइज्ड भाई, अगर वो हमारे भाई जो उन्होंने आपत्ति अपनी जाहिर की, मैंने उसको क्लियर किया, रेफरेंसेस पे बात हुई, वो मैंने क्लियर किया, अब आप लोगों का मेरे साथ क्या गिला है?
देखिए हमारा कोई गिला नहीं है, मैं तो उनको जुल्फिकार भाई को मैसेज भी किया था कि हर हफ्ते हमको एक बार इस तरह से शास्त्रार्थ करना चाहिए ताकि मुसलमानों का भी थोड़ा दिमाग खुले और हिंदुओं का भी थोड़ा दिमाग खुले, आपस के गिले शिकवे खत्म हो। अच्छा मैं आपको ये बताऊं वो भाई, मैं आपको एक दफा फिर इनवाइट करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। असल में आज तो रेफरेंसेस पे बात हुई, मैं चाहता हूं कि किसी, ये तो इसी तरह की बात हुई जिस तरह की ब्रह्म राक्षस से बात मेरी हुई कि जस्ट रेफरेंसेस पे बात जाके करें कि किसके ठीक हैं किसके गलत हैं। इसके अलावा कि किसी असूली मौकफ पे बात मैं आपसे करना चाहता हूं, खुसूसन ये यही वाक्या ले लें, आप कह रहे हैं कि दक्षा जो था वो बड़ा प्राउड पर्सन था। मैं दक्षा वाले मामले पे बात करना चाहता हूँ, आप तशरीफ लाइएगा, जरूर करेंगे, क्या कहते हैं आप? जी जी, दक्षा वाला तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, आप